कोई लाइनें तंग लगाया करो गधे। अभी ये पेन के साथ लिख रहे हैं तो ये नहीं कार्बन पेंसिल से लिख रहे हैं, इतने खुला लाइनें होनी है। अच्छा लिखा है, और बार बार लफ्ज़ रिपीट ना किया करो, जहाँ लफ्ज़ रिपीट होते हैं वहाँ पे गलती तसव्वुर की जाती है। ठीक है, स्केल और पेंसिल पकड़ाओ जल्दी, पेंसिल लो। इससे ज़्यादा बड़ी लाइन ना हो, इधर ध्यान रखे दांत बाद में निकाले, बढ़िया बाल रही है तेरी, मैं सुनता रही अपनी दांत, इधर देख ले। ये दूर है, नज़दीक करो। माशाल्लाह अभी डेढ़ महीना हुआ है बच्चे को, डेढ़ महीने के अंदर बच्चा पेन के ऊपर आ गया, और अभी इंशाल्लाह ताला इसकी स्पीड शुरू होने वाली है। ये ले आगे किसका काम हो गया जी, लाइन आगे इनकी इतनी फीकी क्यों है भाई, हैं बहुत अच्छा लिखा है 95, लफ्ज़ भी ठीक है। अब स्पीड रहेगी, ये लाइनें किस तरह लगा रहे हैं, लाइनें लगाने की अपनी आदत अपनाएं, और दोनों साइडों पे एक इंच स्पेस होती है, इतनी होती है, इतनी छोटी नहीं होना इसमें, एक इंच स्पेस दोनों साइडों पे छोड़नी होती है। और टेढ़ी मेढ़ी ना लगाया करें, अपने स्केल अपने पास रखा करें, स्केल आपके पास हर वक्त होना चाहिए, स्केल होता को नहीं हाथ से शुरू हो जाते हैं आप। ये ले आगे ले आए भाई, जल्दी करें, और किसका काम है, लेके आए ये पेंटिंग। माशाल्लाह देखें जी, ज़बरदस्त पेंटिंग, जो बच्चा पेंटिंग का शौक़ रखता हो, बच्ची ने ये वूमन देखें इसकी बच्ची की, बहुत कमाल की पेंटिंग बनाई है, ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल जेन्युइन है। ये देखें हमारे दौर में ये सहूलत को नहीं मौजूद थी, हमने बहुत मुश्किल से ये काम सीखा, ईमानदारी की बात है। आप लोगों को अगर एक अच्छा टीचर मिल रहा है या एक चीज़ सीखने के लिए मिल रही है, और आप शौक़ भी रखते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आपको अपना शौक़ ज़रूर पूरा करना चाहिए। ज़िंदगी के किसी हिस्से में भी ये चीज़ें जो हैं आपको दूसरों से ज़्यादा नुमायाँ और हाईलाइट करती हैं। ओके।